देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, याद है कुछ कि भूल गए? कितना हो गया था? 47। देखिए बात नहीं करें, ये तो अभी नहीं करा है, ये सीवी की तुलना के 5 गुना समय उत्पादक है, ये कहाँ करवाया अभी? 46। ये छुट्टी पे चला जाता है, ये करा दिया शायद। एबीसी 12 दिन में करते हैं, एबी की तुलना में 2 गुना उत्पादक है, सी अकेले से 36 दिन में कर सकता है, सी छुट्टी पे चला जाता है, तो एबी कितने समय कर ले? ये हो गया ना, हो गया। तो कौन सा 47 कराना है? देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए, मैं बताता हूँ आपको। कुछ सेकंड आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जो कर सकते हैं वो जरूर करें और जो नहीं कर सकते वो केवल और केवल इसको पढ़ें। बात नहीं, देखिए सुनिए, देखिए सुने, करते हैं, आपसे क्या कहा है जरा समझिए बात को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी है वो बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, सी जो है वो बी की तुलना में कितना है? 5 गुना उत्पादक है, यानी इनकी इफिशेंसी का रेशियो कितना है? 5:1। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? तो ए किसी काम को 60 दिनों में कर देता है। ए बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में कर देते हैं। तो आपसे कहा है अकेले काम करते हुए बी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? बी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? देखिए सुनिए, तो आप यहां देखेंगे कि पूरा काम कितना मान लिया आपने? 60। ये कितना आएगा? 1। और ये कितना आएगा? 5। आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इसमें यहां ऐसे करेंगे, अब आप खुद मत करिए, अब देखिए जो रेशियो का चक्कर है उसको देखिए। रेशियो के बारे में अब अगर आपको कुछ जानना है, देखिए भाई अगर आप कल शाम को 5 बजे नहीं आए तो जो मोबाइल ऐप है हमारी क्लासेस का, जहां आपको PDF मिलती हैं, वहां रेशियो की एक फ्री क्लास अवेलेबल होगी। तो रेशियो की बेसिक ABCD जानने के लिए, रेशियो की बेसिक ABCD जानने के लिए आप उस क्लास को पढ़िए, और एक क्लास आज की भी डलेगी। तो आप अगर क्या है कि शाम को भी आने में अगर असमर्थ हैं, नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन रेशियो की जो मैंने कल क्लास पढ़ा दी वो बेसिक पढ़ लो आप, आज पढ़ाऊंगा वो एक आध क्लास और डाल देंगे, तो जितने रेशियो की हमें ज़रूरत है वो आपका पूरा हो जाएगा। देखिए तो हमने आपसे कहा कि ये किसी काम को इतने दिन में करता है और ये उतने दिन में करता है, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि वो 2-3 क्लास आप जरूर पढ़िए, आपके काम की हैं। आप यहां से देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास ए कितना है, ए हमारे पास कितना है? 1। और ए बी और सी कितना है? कितना है? 5। तो अगर ये 1 होगा तो ये दोनों मिलके कितने होंगे? 4 होंगे या नहीं? तो यानी हमारे पास, हमने कहा है कि ए और ये लिखा हुआ है बी और प्लस सी, अगर ए 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी और सी की वैल्यू कितनी है? 4। हाँ या ना?
पक्का? हम यहां एबी की वैल्यू 4 देख रहे हैं और यहां एबी की वैल्यू कितनी है? 6। तो गड़बड़ हो रही है, हो रही है कि नहीं? तो इसको हम 4 बना लेते हैं। तो इसको 4 कैसे बनाएंगे? 4/6 का डिवाइड करके, क्योंकि यहां एबीसी की इफिशियंसी 4 है और इस 4 की तुलना में ये 60 है। तो इसलिए हम चेंज तो इसको भी कर सकते थे, इस वाले को, लेकिन इस वाले को चेंज करेंगे तो ये फिर जो टोटल वर्क है वो भी चेंज हो जाएगा। अब समझिए, हमारे पास दो चीजें हैं, हमें ये समान बनाना है। यहां भी है और यहां कितना है? यहां ए बी की इफिशियंसी 6 कह रहा है और यहां ए बी की इफिशियंसी कितना कह रहा है? 4। यहां ए बी 6 है तो यहां ए बी कितना है? 4। हमारा मकसद है दोनों को बराबर बनाना। या तो दोनों को 4 बना लो, या दोनों को 6 बना लो, या दोनों को 12 बना लो, दोनों को समान बनाना है। लेकिन भैया ये हमारे पास यहां ए बी सी 5 है और इसमें से ये निकले हैं, हाँ या ना? तो अगर एबीसी 4 है तो हमारे पास साम कितना है? 60। अगर एबीसी की इफिशियंसी 4 है, एबी की बीसी की इफिशियंसी 4 है, तो हमारे पास काम कितना है? 60। अगर आप इस 4 को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अगर हम 4 को 6 करते हैं या 4 को 12 करते हैं तो इससे कनेक्टेड कौन है? ये। और इससे कनेक्टेड क्या है? ये और ये सब चेंज होगा। और इससे कनेक्टेड कोई नहीं है, केवल बी और सी है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको 4 बनाने का प्रयास किया। 4 बनाने का मतलब क्या किया कि इस पूरी की पूरी संख्या में मैंने 4/6 का क्या कर दिया? डिवाइड। 4/6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आएगा 4/6 और ये आएगा 20/6। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा 4, फिर 4/6 का, तो 4/6, ये 4 × 5 20/6, इतना आ जाएगा। तो आपसे कहा गया है बी अकेला तो काम को करते हुए बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? आपसे कहा गया है अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में करेगा पूरा? तो हम जानते हैं कि ये कितना है टाइम ऑफ बी, तो पूरा काम कितना है? 60। और बी की इफिशियंसी यहां दिख रही है क्या? नहीं, यहां दिख रही है कि बी की इफिशियंसी कितनी है? 4/6, ये आ जाएगा 15। तो ये आएगा 15 × 6 कितना? तो ये आ जाएगा 15 × 6 90। तो बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। बी अकेला काम को करने में कितने दिन लेगा? 90 दिन। देखिए यहां 6 को भी मैं कर सकता हूं, यहां इसको 4/6 बनाएंगे, लेकिन सारी चीजें बदलेंगी। सारी चीजें क्या होंगी? बदलेंगी। फिर अगर इसको चेंज करेंगे तो उतना ही ये चेंज होगा, उतना ही ये चेंज होगा और उतना ही ये चेंज होगा। इसलिए मैंने इसको न चेंज करते हुए केवल किसको किया है? यहां इसको, ठीक है। एक दूसरा तरीका हम ऐसे देख सकते थे, हो गया ये। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से देखते तो हम पहले क्या कर लेते कि काम को फिक्स करते ही नहीं, और काम को फिक्स नहीं करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। हमने आपसे कहा है कि ये ए है और ये लिखा हुआ है ए बी और ये सी, इनके टाइमिंग का रेशियो हमारे पास कितना है? तो ये 60 दिन लेता है, तो ये कितना लेता है? ये 12 दिन। तो ये कितना आ जाएगा? 12 × 5 और 12 × 1 = 12। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आ रहा है भाई? तो 1:5। अब हमारे पास यहां गिवन क्या है भाई? तो यहां हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? दिया है कि सी है वो बी की तुलना में 5 गुना इफिशियंट है, हां या ना? हम यहां से ये समझ पा रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो गया ए की वैल्यू कितनी है? 1। और हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है? तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो यहां आपने कह दिया बी सी की वैल्यू कितनी है? 4, हां या ना? कुछ तो बोलो। हाँ, तो अब आपने क्या देखा कि यहां बीसी की इफिशियंसी 4 है और यहां बीसी की इफिशियंसी कितनी है? 6।
तो दोनों को बराबर कर लो। दोनों को बराबर करने का मतलब क्या किया कि यहां दो का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 10 और ये कितना आएगा 2। यहां 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 12। तो अब सीबी की वैल्यू यहां भी 12 हो गई और सीबी की वैल्यू यहां भी क्या हो गई 12। हां या ना बोलो, हां या ना। अब आपने कहा टोटल वर्क कितना आएगा तो टाइम ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ ए कर दो तो ये आएगा टाइम ऑफ ए 60 दिन और टाइम ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए कितनी है 3। अब इन पुरानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, पुरानी इफिशियंसी जब हमने मल्टीप्लाई करके नया निकाल लिया ना इफिशियंसी का रेशियो, तो अब जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है वो किस में करना है नए में। इसलिए मैंने आदत बना ली है कि जहां से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया उसको हटा दो, नया हमारे काम का। इसलिए मैं काटता चलता हूं जिससे आपको ये पता चले कि अब ये काम के नहीं है। अब आपने कहा टाइम ऑफ बी देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 180 और बी की इफिशियंसी कितनी है भैया, तो बी की इफिशियंसी 2 है तो ये आएगा 90 गुना 2। यानी बी काम को करने में कितना लेगा, ये ए का तो पता ही है 60 दिन में करता है। अगर आपसे ये पूछे कि सी कितना समय लेगा तो ये कितना है पूरा काम 180 और सी की इफिशियंसी कितनी है भैया 10, तो सी अकेला कितना लेगा 10 दिन 18, तो सी ले लेगा कितने 18 दिन। सी कितना लेगा तो सी लेगा 18 दिन। हो गया ना, आगे देखिए। देखिए अगर इसमें कोई ये है कि अगर इसमें इसको चेंज करके अगर कोई कर देगा तो करके बताओ आप मुझे। ये जो है ना, ये जो मैं इस तरह से कर रहा हूं, ये जो मैंने यहां ऐसे किया है, ये अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे ना करता, हमने कहा है कि यहां ये मल्टीप्लाई नहीं करते, यहां इन दोनों को समान बनाएं। किस किस को, यहां इन दोनों को अगर इक्वल बनाना है, इन दोनों को इक्वल, तो फिर आंसर कैसे आएगा। देखिए हमें दोनों को बराबर करना है, याद रखिए, क्योंकि रेशियो आपको पकड़ में आना चाहिए। यहां ये और ये इसको बराबर करना है तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 2। यहां 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये कितना आएगा 12। अब आपने कहा टाइम ऑफ बी चाहिए तो कितना आ गया 60 और बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो कितना उत्तर आया 30। जबकि उत्तर आ कितना रहा था, कितना रहा था 90। तो हमसे गलती क्या हुई है कि यहां हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहां भी 3 का होगा, यहां भी 3 का होगा और यहां भी 3 का होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कौन कौन है, ये और ये। तो इसलिए मैंने यहां इसको छोड़ दिया था, क्योंकि इससे हाथ लगाएंगे तो करंट कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको चेंज मत करिए, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो चीजें वहां तक पहुंचेंगी, इसको चेंज करेंगे तो चीजें यहां से कहां तक पहुंचेंगी, यहां तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो अब यहां से आप बी देखते हैं कि बी की इफिशियंसी कितनी है, तो ये हो गया काम कितना 180 और इफिशियंसी कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 90। तो आप चीजों को समझिए तो ये आपको अच्छा लगेगा। अभी मेरे पास एक बच्चा आया और उसने कहा कि साहब बुकलेट के क्वेश्चन तो हमारे उससे सारे बन जाते हैं, लेकिन कोई किताब देखते हैं तो उसके क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये पॉसिबल है क्या,
किसी ने एक भी चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा हो तो ये पॉसिबल है कि बुकलेट के क्वेश्चन बन जाए और कोई भी कॉम्पिटिटिव किताब हो जो वनडे एग्जाम के लिए आते हैं उसके ना बने। जिसने एक चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा हो वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी नहीं। जिन्होंने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने कोई भी चैप्टर ईमानदारी से पढ़ा है, टेस्ट में ठीक ठाक नंबर लेके आया है, वो ये कहे कि बुकलेट से क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन बाकी नहीं बनते। इसका मतलब केवल और केवल इतना होता है कि आपने चैप्टर को, क्वेश्चनों को रटने का प्रयास किया है, चीज़ों को समझने का नहीं। देखिए, कराने के लिए तो इस क्वेश्चन, अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके होते, लेकिन ये जो आपको हर तरीके से इसमें, यहाँ इफिशियंसी को पकड़ेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पकड़ेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पकड़ेंगे तो ऐसा होगा, जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगी तब तक आप चीज़ों को रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टर डोज लग जाएगा उसमें। ये लिखा हुआ है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, सी काम को करने में 48 दिन का समय लेता है, एक काम को करने में ए बी सी 16 दिन में करते हैं, अकेला बी कितने दिन में कर देगा, अकेला बी कितने दिन में कर देगा। कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। आप दोनों बताओ, आप काफी बात कर रहे हो, करो इसको सॉल्व। भेजना है करके, आप तो बैठे हुए हो, रजिस्टर में सॉल्व करना है इसे। ये पुराना आ गया है कि ये बीच में बैठा हुआ है, ये तीसरे नंबर पे कहाँ से टपका है? कितना? ए बी सी डी सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। होगा नहीं वो, क्योंकि या तो बातें कर लो और या क्वेश्चन समझ लो, एक आधी काम हो सकता है, दोनों थोड़ी हो सकते हैं एक साथ। आ रहा है आपका? आ गया, बहुत अच्छी। सुनिए, यह देखें, आपसे कहा गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया इतना। अब ए किसी काम को करता है 48 दिनों में, सी अकेले किसी काम को करता है 48 दिनों में, और इस काम को ए बी सी काम करने में वक्त कितना लेते हैं? 16 दिन। ठीक है, अब मैं केवल इफिशियंसी पे बता रहा हूं, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने हर तरीके से बता दिया, अब मैं इसको केवल इफिशियंसी पर बताने के चक्कर में हूं। तो ये हमारे पास टाइम है और टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 16 गुना 3 48, तो इनकी इफिशियंसी ये आ गई, तो ये कितना आएगा? 1:3। भाई साहब, आप यहां से देख रहे हैं कि सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू, सी की इफिशियंसी कितनी है? अगर सी की इफिशियंसी अगर 1 है तो हमने कहा कि यहां सी 1 हो गया और ए बी सी कितना है ये, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ए कोमा बी की जो वैल्यू है वो कितनी है यहां? 2। हाँ या ना? तो यहां ए बी का मान कितना है? 4। तो यहां भी ए बी का मान कितना करना पड़ेगा? 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है ना भाई, बोलो हाँ या ना? यानी इस इफिशियंसी से हमने इनको सॉल्व किया था ऐसे और ऐसे, अब इसको भी हटा दो। हमें यह दिया था कि इनकी इफिशियंसी का 3:1 दिया है, सी किसी काम को 48 लेता है तो एबीसी काम को 16 दिन में लेते हैं, तो टाइमिंग का रेशियो ये है, तो पलट दिया तो इफिशियंसी का ये आया। यहां से हमें सी की इफिशियंसी 1 पता चली तो यहां हमने सी बराबर 1 लिख दिया। फिर हमको क्या पता चला कि हमको फिर ये पता चला कि सी की इफिशियंसी 1 आ गई
और यहां से हमने देखा कि बीसी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो बीसी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ गई, दो। तो यहां बीसी की इफिशियंसी दो है, तो यहां बीसी की इफिशियंसी कितनी है, चार। तो इसको चार बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, दो का। तो यहां दो का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना आ गया। अब आपने कहा टोटल वर्क कितना है, टोटल और ये वर्क, तो टोटल वर्क तो ए से पूछ लेते हैं, तो टाइम ऑफ ए और इफिशियंसी ऑफ ए। तो आपने कहा टाइम ऑफ ए कितना है, सी। चलो भैया सी कर लेते हैं, टाइम ऑफ सी। तो सी की इफिशियंसी कितनी है भैया, दो। और समय कितना है, 48। सी की इफिशियंसी दो है और समय कितना है, 48। तो आपसे कहा इसे बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 48 × 96। और बी की इफिशियंसी कहाँ है, तो बी की इफिशियंसी है कितनी, एक। तो यहाँ एक से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 डेज। कितना आ जाएगा ये, 96 डेज। ये आएगा हमारे पास 96 डेज। अगर आपसे इसी प्रश्न में ये कह दे कि हमारे ए अकेला कितने दिन में काम करेगा भाई, कितने दिन में काम करेगा, तो आपने कहा कि ए का मान कितना है भाई, तो आपने कहा टोटल वर्क तो हमारे पास 96 है और ए की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, ए की इफिशियंसी 3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 32 डेज। ये आ जाएगा 32 डेज आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 32 डेज। ये आएगा 32 डेज। हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है अगला देखिए। ये भले ही आपको बुरे लग रहे हो, लेकिन मैंने जानबूझ के रखे हुए हैं कि कैसे कैसे घुमा सकता है आपको, इफिशियंसी के चक्करों में कैसे कैसे फंसा सकता है। और इतने आपने इफिशियंसी के चक्कर समझ लिए तो आप किसी भी बुक को लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसका सॉल्यूशन देखोगे और फिर अपने दिमाग को घुमाएंगे तो आप भले ही उसने किसी भी मेथड से किया है, आप अपने मेथड्स लगा लेंगे। लेकिन लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। देखिए ये लिखा हुआ है, चलो करो, आपको एक मिनट तो मिलता ही है, करिए, पहले ही करके बैठ जाते हो यार। चलिए करिए, तब भी जिनको नहीं बनता है वो प्रश्न को पढ़िए दो बार कम से कम, जिनको नहीं बनता है वो। जिनको नहीं बनता है वो क्वेश्चन पढ़ें जरूर, बातें नहीं करें। देखिए अब हम करते हैं, हमसे क्या कहा गया है, एक किसी काम को ख़त्म करने में जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को लगता है। ठीक है,
यानी ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है तो बी और सी मिलकर भी 10 दिन लगाते हैं। ए को किसी काम को करने में जितना समय लगता है उतना ही समय बी और सी को लगता है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, सी अकेला 15 दिन में करता है, तो आपसे कहा गया है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। कर लिया है, दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं आपने किया कैसे है। जब भी किया करें तो ऐसा किया करें कि हम जैसे आम लोग भी उसको समझ पाएं। दिखाओ, इन्होंने कहा कि 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ऐसा ऐसा करके फाइनली 10 पे पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए। ठीक है, और किसने किया है? आपने भी किया है, किया है, कितना आया है? 60 के अलावा किसी का आया है कुछ? तो 60 के अलावा आना चाहिए कुछ। चलिए यहां देखते हैं, सुने, अब आज आप लोग के टारगेट पे हैं, आपने अगर एक भी उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया तो सोच लेना फिर। देखिए, हमने कहा है कि ये क्या कह दिया भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर देता है। ठीक है, तो यहां ये इनका टाइम है, तो टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा भैया? तो टाइमिंग का रेशियो आएगा 2:3। तो आपने कहा कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? तो 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा भैया? तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना? 3:2। एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:2। ठीक है, एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:2। चलिए देखिए, जहां अगर हम यहां कहते हैं, देखिए, सी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का अगर पूछा है तो हमारा मकसद होना चाहिए बी की एफिशिएंसी पता करना। अगर बी का टाइम पूछा है तो हमारा मकसद क्या है? बी की एफिशिएंसी पता करना। लेकिन यहां अकेले सी की है, यहां ए और बी की है, तो कुछ बात बनती हुई मुझे दिखी नहीं। तो एक चीज हमें और दी हुई थी जिसपे हमने ज्यादा ध्यान दिया नहीं कि ए जितना समय लेता है उतना ही बी और सी लेते हैं, यानी इनके टाइमिंग का रेशियो 1:1 कितना है? 1। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो भी कितना आएगा? 1:1। बोलो हाँ, बोलो, आएगा? अगर ये आ गया है तो आपने यहां देखा कि एबीसी की इफिशियंसी कितनी है? यहां 2, और एबीसी की इफिशियंसी यहां कितनी है? 5। बोलो हाँ, यहां ए बी और सी 3 और 2 5, यहां ए बी और सी कितना? 2। क्या करना है भाई हमें? दोनों को बराबर करना है, तो यहां 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5 आएगा, तो ये भी कितना आएगा? 5। यहां 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 6, ये 4 और ये 10। तो अब यहां भी एबीसी की वैल्यू 10 है और यहां भी एबीसी की वैल्यू कितनी है? 10। पता चल गया। तो आपने कहा ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी कितनी? 5। तो यहां भाई ए की इफिशियंसी 5 रख दो तो बी की कितनी आ जाएगी? जरा मुझे बता दो, कितनी आएगी? 1। तो बी की इफिशियंसी आ गई 1। तो मैं जानना चाहता हूं कि टोटल काम क्या है, टोटल वर्क। तो आपने कहा ईसी और इनटू टीसी, तो आप जानते हैं कि सी अकेला काम को कितने दिन में करता है? 15 दिनों में। तो सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो ये आएगा 4 और ये कितना है? 15 दिन। तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 और बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। बी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये आ जाएगा 60 दिन, ये आ जाएगा 60 दिन। जो पूछना है आप पूछिए। Thank you.
आपको ऐसा कुछ भी लग रहा हो कि ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए। हो गया, आगे देखिए भाई, सुनिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ये कह देते नहीं हमें तो एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से बताओ, तो मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से बताइए तो मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। पूरा चक्कर है रेशियो का। आपने कहा ए किसी काम को, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। ये आ गया हमारे पास 30। कितना आ गया ये? 30। तो ये आएगा 3, तो ये कितना आएगा? 2। अब आप जानते हैं कि हमें ये भी लिखा हुआ है कि ए जितना समय लेता है उतना ही बी और सी लेते हैं। ए किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उतना ही बी और सी मिलकर लेते हैं, तो यह टाइम का रेशियो है 1:1। तो यह एफिशिएंसी का रेशियो भी कितना आएगा? 1:1। यहां से हमें पता चल गया क्या? तो यहां हमने देखा कि ये ए बी और ये सी कितना हो रहा है? 3 और 2 5। यहां ए बी सी कितना हो रहा है? 2। तो बेहतर ये है किसको चेंज कर लें, 5 को चेंज करें या 2 को चेंज करें? 2 को चेंज कर लें। 2 को क्या बना दें? 5। तो जिस जो बनाना है उसका मल्टीप्लाई और बाकी का डिवाइड। तो 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये 5/2, और 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये भी 5/2, और ये आ जाएगा 5। अब आप देख रहे हैं एबीसी की इफिशियंसी यहां 5 और एबीसी की इफिशियंसी यहां भी कितनी है? 5। तो अब आपने देखा कि क्या पूछा है, बी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 30, और इफिशियंसी ऑफ बी। भैया हमें बी सी को तो पता है और ए की पता है, बी सी की भी पता है और ए की भी पता है, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? ए मिल जाएगा भाई हमें कि नहीं मिल रहा है? ए मिल रहा है। और कहाँ जाना है? बी पर। तो क्या जुगाड़ लगाएं कि बी की इफिशिएंसी मिले? देखिए कैसे कर दें कि यहां आपने ये देखा, सुन लीजिए, कि अगर आपने यहां देखा कि इनका रेशियो ये है, तो हमें इतना पता चल गया कि ए बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी कैसी है? समान है। ए की इफिशियंसी और बी प्लस सी की इफिशियंसी कैसी है? समान है। अब हमें पहुंचना कहाँ है? बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, और बी अकेला काम कितने दिनों में करेगा इसके लिए हमें कहाँ जाना है? बी की इफिशियंसी पे। हमने यहां से पूछा कि बी की इफिशियंसी यहां दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। आपने कहा यहां तो ए बी की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है? 3। जैसे ही यहां ए बी की वैल्यू लिखोगे, ए बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ए बी की वैल्यू 3 लिखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 है तो ये कितना होगा? 2। तो कितना हो गया? 5 होगा। अब यहां देखोगे आप कि ये हमारे पास 2 है तो ये कितना होगा? आधा। नहीं आ रही है बात समझ में? तो इतना दिमाग लगा क्यों रहे हो, हटा दो इसको। चलिए अब ठीक है, दोबारा से बताता हूं। ए बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं और सी अकेला 15 दिन में करता है, काम कितना आ गया? 30। ये आएगा 3, तो ये कितना आएगा? 2। अब इसके समांतर एक दूसरी व्यवस्था दी हुई है कि ए और ये बी प्लस सी है, इनके टाइमिंग का रेशियो लिखा हुआ है 1:1, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो भी कितना आएगा? 1:1। याद रखिए यहां ए बी की वैल्यू है और यहां बी सी की वैल्यू है,
यहां ए बी की वैल्यू और यहां कितने की है, बी सी की वैल्यू। तो यहां ए बी सी का जो सम है वो कितना है, पांच। ए बी और ये सी कितना है, ये पांच। तो हमने यहां देखा कि यहां ए बी सी का सम कितना है, दो। तो आप यहां देखिए, यहां मैंने पांच का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा पांच, और ये भी कितना आएगा, पांच। यहां हमने दो का मल्टीप्लाई कर दिया, कहां, यहां। लेकिन आपने कहा दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम में होगा, इसलिए यहां पांच है तो पांच ही बना लो, यहां पांच है तो इसको कितना बना लो, पांच। पांच बनाने के लिए क्या कर देंगे, दो बटे पांच का, तो ये आ जाएगा फाइव बाई टू, और ये भी कितना आएगा, फाइव बाई टू। बी सी का मान यहां रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की हमारे पास पहले से ही लिखी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास पहले से ही लिखी है। तो ये हमारे पास ये सी बराबर कितना है, दो। तो सी की वैल्यू अगर आप दो हैं और ये पूरी वैल्यू दो दशम, तो ये कितने आएगी, एक बटे दो। बी का मान कितना आ जाएगा, एक बटे दो। तो अब आपसे पूछा है टाइम ऑफ बी बराबर कितना आएगा, तो पूरा तीस है और बी की इफिशियंसी कितनी है, एक बटे दो। तो तीस दूने साठ, आगे देखिए। हो गया, आगे देखिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आपने कहा है कि दोनों की इफिशियंसी अगर समान है तो बी ए की जगह क्या रख दें, बी प्लस सी की जगह क्या रख दें, ए। सही है, तो बी प्लस, यहां से ए का मान आ जाएगा, ए का मान उठा के यहां रखेंगे तो बी का आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से दोबारा से बताओ, दोबारा से, नहीं नहीं ऐसे ही बताओ। ए प्लस बी बराबर, तो आसान हुआ क्या? देखिए अगले पे चलिए। कोई भी अप्रोच होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, एक तो स्मूथ होनी चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए करिए, देखें। क्या हाल है आपके, क्या समस्या है बताना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर, क्या ये चैप्टर ज्यादा कठिन हो गया क्या, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप बताएंगे तो मैं कुछ करूंगा आपके लिए, नहीं आ रहा है समझ में ये।
क्या समस्या आ रही है? आप पूछने में कोई दिक्कत है? नहीं पूछना चाहते तो फिर बताओ ना। जब आप पूछना नहीं चाह रहे हैं तो फिर आंसर बताइए। आप कितने दिन बाद आए हैं? आपसे कह रहे हैं रोज आ रहे हो, तो फिर हालत खराब क्यों हो रही है? समझ नहीं आ रहा तो ये मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या बात समझ में नहीं आ रही? कब से समझ में ना आना कब से हुआ है? पता नहीं क्या कहता रहता है ये। इसको पकड़ो आप, इस पे बताइए। हाँ आवाज आ रही। अभी आप लोगों को यहाँ पहुंचना है सीधा, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आपका। बताओ सर, अभी 4 दिन हुए हैं आते आते। आप क्लास लेते हुए कितने दिन हुए हैं? 4 दिन। 4 दिन। हाँ सर, तो 4ों दिन समझ में नहीं आया? मुझे थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा नहीं आया। थोड़ा कुछ नहीं होता भाई, मैथ में एक बात जान लो, या तो होता है या नहीं होता। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, आप ये अच्छी तरह से जान लो। थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ नहीं, लिख लो मैथ्स की भाषा में। थोड़े थोड़े का मतलब क्या हो गया? शून्य। जो जिनको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसका जो मतलब होता है थोड़ा और थोड़ा, ज्यादा नहीं होता है, शून्य होता है, कुछ नहीं। लिख लेना इसको, कुछ नहीं। जिनको भी ये गलत फहमी हो रही हो कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, देखिए जिनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ, आपको कैसा कैसा थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अतुल भाई आप बताइए, आप क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं ऐसा मुझे लगता है, कभी कभार बोल देते होंगे, क्या कहना है आपका? यार ऐसा साफ बोला करो जो मुझे सुनाई दो। ये लो पकड़ो पकड़ो। चलिए कल को आपको पब्लिक स्पीकर भी तो बनना है, क्या कह रहे हो बताओ आप? सर आप ज़्यादा तरीके से करा दे दो सर, बहुत तरीकों से करा दे दो सर, आप सर इसमें फंसे आते हैं, कौन से तरीके से सही रहेगा? मिक्स हो जाते हैं सर तरीके। ज़्यादा तरीके से करा देते हो तरीके मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और भाई आप बताओ, ये बताएंगे ये नए नए हैं, ये बताएंगे आपको क्या समस्या आ रही है? दे दो इसको। समझ में रेशियो समझ में नहीं आ रहा है। और बगल वाले को, ये जो बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है मंद मंद, इसको दे ये जो शर्ट वाले, ये वाले। आप बताइए क्या समस्या चल रही है? अरे उसमें बोलिए काहे के लिए दिया है तुझे, कल आए नहीं थे? भाई मुंह में क्या चबा रहे हो पुड़िया? अरे हाथ में नहीं कह रहा हूँ, मुंह में की, मुंह की बात। अच्छा ढक्कन को चबा रहे थे, क्या हालत हो गई है देश की। आप बताइए भाई। आ रहा है सर, आ रहा थोड़ा है। थोड़ा आ रहा है? नहीं नहीं सर, रेशियो समझ में नहीं आ रहा सर। रेशियो समझ में नहीं आ रहा है। अब इधर बढ़ाइए, ये कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई कुछ। इधर दे दो, पकड़ लो इसको। क्या समस्या है आप बताइए। सर स्टार्टिंग
स्टार्टिंग का तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना, तो इसलिए अब लेवल बढ़ गया है तो थोड़ा सा ऊपर से चला गया, थोड़ा मतलब टोटली। आप क्या कह रही थी बगल, ये बच्ची बताएगी ये क्या कह रही थी। अब हमारे जो पीछे तीन साथी बैठे हुए आप सीधे पहुंचा दो। किसी को कुछ कहना है कि ये इसमें ये दिक्कत आ रही है इसलिए हमारे लिए कठिन हो गया? नहीं, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाह रहा हो? हाँ भाई साहब, आप ही ले लो, क्योंकि आप क्या है कि आप ही बीच वाला ही बात कर रहा था ये। सर क्या समस्या आ रही है बताओ। सर आ ही नहीं रहा समझ में, समझ में नहीं आ रहा सर अभी। कुछ नहीं आ रहा सर, तीन चार दिन गैप हो गया सर बीच में। एग्जाम चल रहे हैं? नहीं सर, खेलने गया था। आवाज सही नहीं आ रही, पहले आप सही बोलो, ये बोल देगा। हाँ हाँ बताइए, बता रहा है, ले लिया ना सर। इंटर यूनिवर्सिटी गेम चल रहे हैं सर, गैप चल रहे हैं पेपर की वजह से। गेम कौन सा गेम खेलते हैं आप? शूटिंग। यस सर। भैया आसपास देख के बैठा करो। कॉलेज में मेरठ था, अच्छा है। तो बीच बीच में क्लास में से इसी चक्कर में उठ जाते हो, सीधे मेरठ जाके रुकते होगे फिर? सर यूनिवर्सिटी आते हैं ना, वहाँ बुलाते हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी में रेंज है आपकी? हाँ सर, जीवा जी में और पटेल नगर में जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला ओलंपिक आप लाएं तो हमारी कोचिंग का नाम होगा, बढ़िया है। चलिए भाई, आप कितने दिनों बाद आए हो? इसको तो इस बगल वाले को, ये वाले सर, दो महीने बाद। दो महीने बाद। देखिए ये देश सेवक हैं, वो बताएंगे, बाकी सब बेकार हैं। आप बताइए क्या समस्या आ रही है, दे दो इधर, क्योंकि आपकी हालत देख के मुझे क्वेश्चन कराने का मन थोड़ी कर रहा है। सर समस्या कोई नहीं है, समस्या सर हमारी समझने की है कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो समस्या आएगी। आप तो हर तरीके से नहीं, आप अपना बताइए, आप दूसरों का मत बताइए, ग्लोबल मत बताओ, आप अपना बताओ कि आपके साथ इन क्वेश्चनों में क्या समस्याएं चल रही है। सर मेरे साथ कोई समस्या नहीं आ रही, मेरे को समझ में आ रहा है समझ में सर। तो ठीक है फिर आप वापस कर दीजिए, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। व्यक्तिगत समस्या की पूछ रहा हूं मैं, क्या है कि ओवरऑल नहीं पूछ रहा। चलिए सुनिए, इस गलत फहमी को पहले तो दूर कर लेना। जिन बच्चों को ये गलत फहमी हो रही है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैथ्स में मैंने आपके साथ बैच के पहले दिन बात की हो या दूसरे दिन बात की हो, यहां थोड़ा थोड़ा कुछ होता नहीं है। आप हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा होता है कि साहब हमने क्या है कि बाबर की लड़ाई पढ़ी, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, लेकिन तब भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ तो आपको अगर पूरा आता है तो ठीक है, और थोड़े थोड़े से यहाँ कुछ होता नहीं है, इसलिए ये कठिन भी है और ये सरल भी है। ये जो चैप्टर है हमारा सरल और कठिन होने के पीछे वजह क्या है कि जिसको समझ में आ गया उसको कंप्लीट आ गया, और जिसको थोड़ा थोड़ा है उसको कुछ नहीं आया। तो लिख लेना आप तो कॉपी के ऊपर, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ नहीं, शून्य, टोटली कुछ नहीं। देखिए जिन बच्चों को रेशियो के साथ समस्या है, तो मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि शाम को 5 बजे आके पढ़ लो दो क्लास तीन क्लास, नहीं आ सकते तो मोबाइल ऐप तो चलाते ही हो ना, मोबाइल ऐप पर आपको क्लास अवेलेबल होगी, तो उसकी तीन क्लास की जो डेमो है उसको आप रेशियो को पढ़ लो, तो रेशियो की जो समस्या है वो समूल नष्ट हो जाएगी, यानी उसका निराकरण हो जाएगा, हल हो जाएगी वो। ठीक है आगे देखिए, तो कहानी कहाँ है सुनिए। ये लिखा हुआ है बी और सी किसी काम को करने में ए बी और सी की तुलना में 50% ज्यादा समय लेते हैं।
बी और सी किसी काम को करने में, बी और सी किसी काम को करने में ए बी और सी की तुलना में इतना ज़्यादा समय लेते हैं। ये बी और ये क्या है सी, किसी काम को करने में ए बी और सी की तुलना में 50% ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये बात पहले दिन से हो रही है हाँ या ना, ये पहले दिन से हो रही है। अगर यहाँ इनके टाइमिंग का रेशियो हमने देखा तो ये आएगा 3:2। अगर किसी काम को करने में बी सी 3 दिन लेते हैं तो ए बी सी कितना लेंगे, 2 दिन। कहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई, तो कहानी कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की। अगर वो काम खत्म होने तक साथ रहें तो चार काम करें तो 450 कुल मजदूरी मिलती है। अगर ये तीनों पूरा काम खत्म करें तो तीनों को कितना पैसा मिलता है, 450। याद रखिए जब हम कोई भी काम प्रोफेशनली करते हैं, व्यवसायिक रूप पे करते हैं, तो हमारे काम के आधार पर हमें पैसा दिया जाता है। किसके आधार पर, काम के आधार पर पैसा दिया जाएगा। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। पैसा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, काम के। यानी जो मिलने वाला जो धन है वो समानुपाती होगा किए गए काम के। कोई ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा पैसे लेगा, कम काम करता है तो कम कर लेगा। इसमें दोस्ती यारी नहीं चलेगी। तो मेरे भाई, अगर आपसे कहा है कि अगर ये सब काम करते हैं तो 450 रुपए की कुल मजदूरी मिलती है, जिसमें से बी अकेला कितना ले जाता है, 120, ठीक है ना। तो ज्ञात करो कि तीनों काम को करने में कितने दिन लेंगे। अगर ए और बी को काम करने में ए बी सी से 3 बटे ज्यादा दिन लगते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट के नजरिए से। देखिए कितने लोगों ने कर लिया है वैसे, ये किस किस का आ गया, 1, 2, 3 आपका नहीं है, 4 आ गया, 3-4 का मान लिया मैंने। देखिए भैया हमारे पास ये लिखा हुआ ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ये सी है। ए बी सी अगर काम करें तो काम के कितने पैसे मिलते हैं, 450, और इनमें से अकेला बी कितना ले जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये रुपए ले गई है, ये रुपए ले गई। और जो पैसा मिलता है वो किस रेशियो में मिलता है, किए गए काम के में। तो आप यहां से देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 × 15 और 3 × 4। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि अगर तीनों का काम 15 है, तीनों का काम 15 है तो बी कितने रुपए कमाता है, 4। और यहां आप देख रहे हैं कि तीनों का ये हम यहां इफिशियंसी देखते हैं तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, ये अगर मैं यहां 5 का मल्टीप्लाई कर ही दूं तो ये कितना आएगा, 10, और ये कितना आ जाएगा, 15। ये हमारे पास वर्किंग इफिशियंसी है हाँ या ना। अगर वर्किंग इफिशियंसी है और तीनों साथ काम करते हैं, तीनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो जब 3 आदमी पहले एक दिन साथ काम किया, मान लीजिए हम 3 लोगों ने एक दिन तक काम किया, तो पहले का भी 12 घंटे काम किया होगा, दूसरे ने भी 12 किया, तीसरे ने भी 12 किया, तो क्या सब बराबर काम करेंगे क्या। 3 लोगों ने इसको मान लीजिए कमरे को पेंट करने का काम किया और तीनों ने समान समय यानी 6 घंटे के लिए तीनों लगे रहे, तो क्या तीनों समान काम करेंगे कि अलग अलग करेंगे, यानी समान करेंगे या अलग अलग करेंगे ये उनकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। यानी किया गया काम किस पर डिपेंड करेगा, इफिशियंसी पे। कब, जब दोनों का समय कैसा हो, समान। अगर मैंने 6 घंटे के लिए लगा दिए तो 6 घंटे के लिए अगर मैंने 2 या 3 व्यक्ति लगा दिए और 6 घंटे के बाद एक ने काम किया है 100 रुपए का, एक ने किया है 200 रुपए का, एक ने किया है 300 रुपए का, तो इसका मतलब समय तो सबका समान ही है।
लेकिन एक को 100 मिल रहे हैं, दूसरे को 200 मिल रहे हैं, तीसरे को 300 मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले ने कम किया होगा, दूसरे ने ज्यादा किया होगा, तीसरे ने और ज्यादा किया होगा। तो ये है मतलब कि हमारे पास जो काम होता है वो इफिशियंसी के अनुपात में होता है। कब? जब लिया गया समय समान हो। मैंने आपको ये बात बताई है कि ये E1 अपॉन E2 बराबर होता है T1 W1 अपॉन W2। कब? इफ T1 बराबर क्या हो? T2। ठीक है। और W1 बराबर W2 हो जाएगा जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो आपने कहा कि W बराबर है किसके? R1 R2 के। और W बराबर है इसकी, तो फाइनली जाके E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2। हम जानते हैं कि जब हमारे पास T1 और T2 समान हो जाते हैं तो E1 E2 का रेशियो क्या हो जाएगा? W1 W2 के। यानी जो अनुपात हमारी इफिशियंसी का होगा वही काम का हो जाता है जब लिया गया समय कांस्टेंट हो जाए। और जब हमारा लिया गया समय कांस्टेंट हो जाता है और जो किया गया काम होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमें पैसा मिलता है। जो किया गया काम होता है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो मेरे साथियों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनको जो पैसा मिला है, ये 15, ये 4 है, तो ये भी इफिशियंसी के रेशियो में मिला होगा। इसलिए हम इस रेशियो को, ये पैसा है उसी को हम इफिशियंसी कह सकते हैं, और ये भी इफिशियंसी है। तो चूंकि यहाँ इफिशियंसी एबीसी की 15 है तो यहाँ एबीसी की कितनी हो गई? 15। अब आपने कहा यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी वहां से? 4। अब बी की वैल्यू 4 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और बी और सी की वैल्यू हमने 4 और 6 रख दी, ये कितनी हो गई? 10। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि ये पूरा 15 करना है। तो इसका मतलब हमारी सारी दुविधाएं दूर हो गई, एबीसी की इफिशियंसी हमें मिल चुकी है। अब आपको कहा गया है कि यदि ए और बी किसी काम को करने में एबीसी से इतने दिन का ज्यादा समय लेते हैं, तो अब हमें टोटल वर्क और मिल जाए तो बात बन जाए। क्या मिल जाए? कुल काम कितना है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है ए बी और ये लिखा हुआ है ए बी और सी। ए बी और सी, बोलो हां या ना। ए बी और ये, ए बी और सी। कहानी इतनी छोटी सी है कि हम यहां देखेंगे तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है? कितना है? ए और बी, ए की कितनी है भैया? 5। और बी की कितनी है? 4। और ए बी सी की कितनी है? 15। तो आप कह सकते हैं कि ये आएगा 9 और ये कितना आएगा? 15। काय का रेशियो है ये? एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 5, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 5 और ये 3। अब आप जानते हैं कि कितना ज्यादा समय ले रहे हैं ये? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू लिखी है हमारे पास 8/3 दिन। तो यहां से आप देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4/3 दिन। तो किसका पूछा था आपसे? वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तीनों कितना है? 3। 3 × 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 4/3, यानी कितना आ जाएगा? 4 दिन। एक बार मैं फिर बताता हूं आपको। देखिए, ये रेशियो का चक्कर है, आपको एक दो क्लास पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये रेशियो का चक्कर है, उसे आप दूर कर लें। ठीक है, सुने सुनिए, आपसे ये तो क्लियर बताया गया है कि ये बी सी हैं, वो ए बी और सी की तुलना में
50% ज़्यादा समय लेते हैं तो ये 3 और 2 का अनुपात आ गया इनके टाइम का, इनके टाइम का रेशियो कितना आ गया 2 और 3 का। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये 2 और 3 का है तो इनकी इफिशियंसी 2 और 3 आ जाएगी, 3 और 2 आ जाएगी। इसके बाद हमें ये नहीं बताया है कि कौन कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देगा, कहीं बताया है क्या? नहीं बताया है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ हिंट तो देगा क्वेश्चन करवाना है तो। हम जानते हैं कि तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 2 दिन में काम हुआ तो सभी ने 2 दिन काम किया, 3 दिन में काम हुआ तो सभी ने 3 दिन काम किया। तो आपसे कहा गया है कि अगर काम पूरा करते हैं ये मिलकर तो 450 रुपये मिलते हैं, तो अगर इन्होंने मिलकर काम किया है तो सभी लोगों ने समय तो बराबर दिया होगा। अगर तीनों ने मिलकर काम किया है तो समय क्या दिया है? इक्वल। और समय अगर इक्वल दिया है तो जो हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो होगा वही हमारे किए गए काम के रेशियो को बताएगा, और जो हमारा किए गए काम का रेशियो होता है जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो जाए, यदि T1 बराबर हो जाए T2, क्या हो जाए T1 बराबर T2, तो हम जानते हैं E1 बटे E2 बराबर आता है W1 बटे W2, और W1 अपॉन W2 बराबर क्या होता है, तो ये R1 अपॉन R2 यानी मिलने वाला पैसा। और इन दोनों क्वेश्चनों में अगर मैं देख लूँ इस बात को कि ये भी W1 है ये भी W1 है, तो E1 अपॉन E2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां कहा था कि ABC को 450 रुपये मिले और जिसमें से B उठा ले गया कितना, 120। तो ये हमारे पास किए गए काम का अनुपात है, यानी किसका अनुपात है, ये पैसे का। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 15 और 3 × 4, तो जो पैसे का रेशियो है वही हमारी किसका आ जाएगा, इफिशियंसी का। तो यहाँ ABC की वैल्यू हमारे पास 15 है तो यहाँ भी ABC की वैल्यू 15 आनी चाहिए, तो कितने का मल्टीप्लाई हो गया, 5 का, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 15। हाँ या ना? हाँ। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बात और कुछ समझ में आएगी। आपने कहा B की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो B की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो B की वैल्यू हम यहाँ ले गए, तो यहाँ B की वैल्यू 4 रखेंगे तो मजबूरी में ये कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि ये कितना है पूरा, 10 आएगा। अब यहां से आपने कहा कि इसमें से हमने B और C की वैल्यू उठाकर यहां से B और C की वैल्यू कितनी रख दी, तो ये रख दी 10, तो ये कितनी होगी भैया, क्योंकि ये पूरा कितना करना है हमें, 15, तो ये A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। सबसे पहले आप देखेंगे तो अब आपको क्या मिल गया कि ये बताया था BC के बारे में। देखिए सुनिए, यहां हमसे कहा है BC के बारे में क्या कहा है कि BC जो है वो AB और C से कुछ ज्यादा समय लेती है। तो आपने कहा कितना लेती है, तो 8/3 दिन। तो सबसे पहले मैंने कहा एफिशिएंसी, तो ये कितनी है, B की कितनी है, 4, और C की कितनी है, 6, नहीं ए भी है, तो ये ए और ये बी, और इनकी कितनी है, 10। ए और ये बी, ए का कितना है, 5, और बी का कितना है, 4, और इनकी इफिशियंसी कितनी है, 15। तो ये देखेंगे 9:15, तो ये आ जाएगा 3:5, तो टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा, 5:3, यानी इसको इतना समय लगेगा तो इसको इतना। आप जानते हैं कि BC समय कम लेते हैं, कितना समय कम लेते हैं AB, तो AB लेते हैं ये 2, और 2 बराबर कितना है, 8/3 दिन। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो X बराबर आ जाएगा 4/3 दिन। आपसे कहा ABC कितना समय लेंगे, तो ABC कितना लेंगे, 3 × X, X का मतलब 4/3 दिन, तो कुल मिलाकर ABC का जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। ये क्वेश्चन कहीं आएगा या नहीं आएगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए
तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने की हिम्मत आ जाएगी, आप में आ जाएगी, किसी भी तरह के क्वेश्चन से लड़ने की ताकत आ जाएगी। आगे बढ़िए, सुनिए, क्वेश्चन नंबर है 51। इसमें है क्या, जरा दिखाना बुकलेट को। ये कठिन क्वेश्चनों को पीछे रख देंगे तो आपकी सेहत पर थोड़ा सा अच्छा असर आएगा। अभी आज एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, एक ही मान लो, इसके बाद तो आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ, अरे सिंपल। चलिए यह देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलो कि इससे इसके आगे कुछ नहीं है, इसके बाद तो फिर आसान आ जाएंगे। देखिए, सुनिए, आपसे कहा है ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। आरंभ में तीनों ने काम साथ किया और 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। इन 3 दिनों में 37% काम हो गया और बाकी का काम बी और सी ने किया। ज्ञात करें अलग अलग काम करते हुए वे कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। ए का 5 दिन का काम और बी के 4 दिन के काम के समान है। करिए, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। अगर दिख नहीं रहा हो तो बता देना मुझे। किसने कर दिया? देखिए, देखिए, सुनिए, करते हैं। देखिए, अतुल भाई कुछ आया समझ में? थोड़ा थोड़ा क्यों सुन ही नहीं रहा है, मतलब नहीं आ रहा है? चलिए कोशिश करते हैं, उसके बाद आएगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी ऐसी है कि हमें क्लियर समझ में नहीं आती है। ये लिखा हुआ ए बी सी फिनिश्ड अ वर्क इन 10 डेज, यानी यहां फिनिश्ड ए बी और सी ने 10 दिन में काम खत्म किया है, किया। ए बी और सी ने किसी काम को 10 दिन में खत्म किया, ठीक है, यानी हर हाल में इन्होंने 10 दिन में काम को किया है।
काम कितने दिन चला है? 10 दिन। ए बी और सी ने 10 दिन में काम खत्म किया है। कैसे किया है अब देखो, इन्होंने क्या किया है कि आरंभ में कितना काम किया, 3 दिन काम किया और 3 दिन में 37% काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया? 37%। अब हमारे पास 7 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने कहा है कि 3 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 37% हो गया, तो बचे हुए 7 दिन में कितना करना पड़ेगा आपको? कितना? 63%। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 3 दिन में एबीसी ने काम किया था, 3 दिन एबीसी ने जो काम किया है तो 3 दिन में एबीसी ने 37% काम हुआ। 37% का मतलब क्या होता है? अगर पूरा काम 100 है, परसेंट का मतलब क्या कि अगर पूरा काम 100 है तो उसमें से कितना निपट गया है? 37%। और हमारे पास पूरे 10 दिन थे, कितने थे? 10। तो अब हमें क्या किया होगा कि ये 7 दिन में किसने काम छोड़ दिया? सी ने काम छोड़ दिया। तो इन्होंने 7 दिन में बी और ए ने ये काम कितने दिन में किया है? 63% काम किया है 7 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो एक दिन में जो काम करते होंगे बी और ए, कितना आएगा? 9% पर डे। हाँ या ना? यहां किसी को इतने में क्या समस्या है ये बता दो मुझे। तो आप आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में किया है। और ये कहा गया है 3 दिन उन्होंने 7 में काम किया तो 37% काम हो गया, और बचे हुए 7 दिन में बचा हुआ काम किया होगा, तो यानी बचे हुए 7 दिन में इन्होंने 63 काम किया होगा। तो यानी हर रोज कितना काम करते हैं ये? अब आपको ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, ये वाली, आपको बताया गया है कि ए जितना काम 5 दिन में करता है उतना ही काम बी 4 दिन में करता है। तो ए और बी के टाइमिंग का रेशियो, तो ए और बी की इफिशेंसी का रेशियो कितना है? 4, और ये कितना? 5। हाँ या ना? तो यहां एबीसी की इफिशियंसी का रेशियो 4 और 5 है, और 4 और 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 9% की। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर इनका एक दिन का काम 9% है और यहां 4 और 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 5 9। यहां से ले जाएं इन दोनों को, तो क्या हो गया? 5 यूनिट पर डे का जो मान है वो कितना है? 9% पर डे। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या निकल के आता है आगे अगर देखेंगे आप, तो ये जो 9 यूनिट बराबर है हमारे पास, ये जो 9 यूनिट पर डे है, 9 यूनिट पर डे है वो किसके बराबर है? इतना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% आ जाएगी। अब देखिए आगे, तो हमें पूरा तो काम मिल गया, कितना है? अगर यूनिट में देखेंगे तो 100 है, और परसेंट में देखेंगे तब भी कितना है? 100 है। अब हमने कहा कि तीनों का काम कितना है, ए और बी का तो मिल गया, तो आपसे पूछा है ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो ए करेगा पूरा काम। अगर 100 है तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 4, यानी 25। बी कितने दिन में करेगा? तो ये 100, और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 5, तो ये कितना आएगा? 20। अब समस्या आ गई सी के लिए, सी की एफिशिएंसी कितनी है? पता नहीं है कितनी है सी की एफिशिएंसी? 10/3। यहां हम जानते हैं कि इसमें रख दीजिए ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 37, और ए और बी की वैल्यू कितनी है? 9। लेकिन ये 3 दिन का काम है, कितने का है? 3 दिन का। तो ये आएगा 9 और प्लस के 3c बराबर 37, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 3c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37 माइनस के 27, यानी कितना? 10। तो
तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी 10/3। तो ये पूरा काम 100 है और ये कितना आएगा 10/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आएगा 30। तो 25, 20 और ये 30, 25, 20 और कितना आ जाएगा ये 30, 25, 20 और कितना आ जाएगा ये 30, 25, 20 और ये कितना आ जाएगा 30। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। हो गया ना? देखिए सुनिए, हो गया कि नहीं? देखिए सुनिए, एक बार मैं फिर बताता हूं, इसे समझिए। पहले तो आपको पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए कि इसमें ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ रही है कि वो नहीं पड़ रही है, तो जिससे मैं उन्हीं चीजों को और ज्यादा डिस्कस करूं। हाँ ये क्या है, आप लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो। एक होता है कि ए बी और सी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अगर तीनों को लगा देंगे तो काम 10 दिन में हो जाएगा। यहां कह रहा है कि ए बी और सी ने कितने दिन में, 10 दिन में काम किया है। तो किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है और जो आप समझ रहे हो उसमें अंतर दिख रहा है, हो गया क्लियर? अगर ये कहता है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो अलग बात है। यहां क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी ने 10 दिन में काम खत्म किया है, तो यहां कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तीनों शुरुआत से और अंत तक रहे हों। तो मैंने आपको पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले कहा था कि इसकी जो लैंग्वेज ऐसी है जिसे हम ठीक से समझते नहीं है। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम खत्म किया है तो जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन तीनों मिलने का कोई जिक्र है क्या? ये कहा है कि ए बी और सी ने 10 दिन में काम खत्म किया है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि तीनों 10 दिन तक रहें। ये निश्चित है कोई रहे या ना रहे, लेकिन काम 10 दिन में ही खत्म करना है, ठीक है? किसी और का कोई प्रश्न हो? ये भाई ने योग शुरू कर दिया, क्या हो गया? अच्छा नस चढ़ गई, उतर आई कि नहीं अभी? चलिए यह देखिए, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो क्या है कि इस क्वेश्चन को समझना था। अब आपने देखा है जब परसेंट हो तो परसेंट का मतलब होता है कि टोटली हमारे पास 100 है। तो अगर मैं ये कह दूं कि परसेंटेज में है तो टोटल वर्क हमने क्या कह दिया, टोटल
वर्क जो हमारे पास है वो कितना कह दिया हमने, 100 कह दिया, 100 कह दिया। अब आपसे कहा है कि ए का 5 दिन का काम और बी का 4 दिन का काम बराबर है, तो ये टाइम का रेशियो, तो इनकी इफिशेंसी का रेशियो कितना आएगा, 4:5। ए बी सी 3 दिन में जो काम करते हैं वो 37% करते हैं, यानी इतना करते हैं, कहो हाँ या ना। आपसे कहा गया है और बी और सी ने 7 दिन में, बी और सी ने 7 दिन में 100 माइनस के 37 काम किया होगा, तो बी और सी की जो इफिशेंसी आएगी, ये इन्होंने इतना परसेंट कर लिया, ये पूरा काम हमारा ये था, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 7 है तो ये कितना है, 63%। तो यहाँ से बी प्लस सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9% पर डे। तो अगर ये 9% पर डे आ गया तो यहाँ आपने ये लिख दिया 9% पर डे और प्लस के सी बराबर 37/3, ये सी बराबर आ जाएगा 37/3 माइनस के 9×3 = 27, यानी 10/3 ये परसेंट। तो अगर आपने काम को 100% मान लिया काम को आपने कितना मान लिया, 100%, तो इसका बिना यूज किए हम सी की इफिशियंसी पे पहुंच गए क्या, तो बता सकते हैं। लेकिन क्या है कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां अगर केवल सी कितने दिन में काम करेगा तो हम यहां पहुंच गए। अब हम कहते हैं कि ये लिखा हुआ इनकी इफिशियंसी और ये लिखा हुआ इनकी इफिशियंसी, तो इसको और इसको रिलेट कर दिया, तो ये लिखा हुआ है 9 यूनिट और 9 यूनिट बराबर कितना है, 9%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1%। तो यानी ये पूरा का पूरा परसेंट में हो गया, हो गया कि नहीं, ये पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया कि इसकी वैल्यू आ जाएगी अब 4% पर डे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5% पर डे। तो अब आपको तीनों की इफिशियंसी पता चल गई, तो आपने कहा कुल काम क्या है, ये ए है और ए काम क्या है 100, तो इफिशियंसी कितनी है 4/25। ये बी है, काम कितना है 100 और इफिशियंसी कितनी है 5, तो ये 20। सी है तो काम कितना है 100, इफिशियंसी 10/3, तो ये कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 30 आ जाएगा। कुछ कहना है, 20 कैसे आ गया, अच्छा यहां ये सी गायब हुआ था क्या, चलो सी गायब हुआ था तो ए ले आओ यहां, ठीक है। अब खुश हो आप के नहीं, तो आपको पता नहीं चला था कि ये, पूछने की रस्म निभा दी इसने कि चलो मैंने पूछ लिया, जबकि बगल वाला कह रहा होगा कि वो गलती से लिख गया है तू मत पूछ, किसी ने नहीं कहा ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सुनिए, हो गया ना ये। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, देखिए। अच्छा ये तो ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद कल कराएंगे, हालांकि आज इसको भी नहीं कराना चाह रहे क्योंकि अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें समय लग रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इजी है, तो हम 10-12 क्वेश्चन कर लिया करेंगे, फिर ये क्वेश्चन में जरूर लगेंगे 10-12 मिनट। चलिए कल मिलते हैं, और पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आधे अधूरे से कुछ नहीं होना है।